मैं तो मिस्टर एंड मिसेस माही देख कर आई हूँ। और सब मुझे तो बहुत प्यारी लगी, क्योंकि राजकुमार जी ऐसे भी मेरे फेवरेट हैं और उनकी एक्टिंग तो सभी को पता है कि लाजवाब है, तो मुझे तो बहुत पसंद आई मूवी, बहुत ज़्यादा एक नंबर, एकदम गजब। जैसे कि जाह्नवी कपूर की जो पहली मूवी थी उसमें भी केमिस्ट्री उनकी अच्छी थी वो हीरो के साथ, इसमें भी बहुत मस्त है, बहुत मज़ा है। ऐसे तो सबकी एक्टिंग ठीक ठाक है, माँ की भी कहीं ना कहीं सही लगी, मगर सबसे अच्छी राजकुमार राव जी की, उनकी एक्टिंग तो मतलब मन करता देखते ही जाना, मतलब मुझे तो बहुत अच्छी लगी ऑल टाइम। सॉन्ग एक सॉन्ग अच्छा था जो सेकंड वाला सॉन्ग है, मस्त था, और दोनों की केमिस्ट्री उसमें खूब जमी, मुझे तो बहुत अच्छी लगी मूवी। मेरे तो जितने सारे की सारे रेटिंग, खासकर राजकुमार जी को। ऑडियंस को यही कहना चाहूँगी कि वो भी जाए और मूवी देखे और उसको समझे कि एक्चुअल में केमिस्ट्री क्या है उसके अंदर। आई लाइक द फिल्म अलॉट, या इट वाज अ नाइस फिल्म। जाह्नवी और राजकुमार राव की केमिस्ट्री कैसे लगी? देयर केमिस्ट्री इज क्वाइट गुड एक्चुअली, दे शुड डू अलॉट मोर फिल्म्स टुगेदर। इन द मूवी कितनी आपके लिए फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ कौन सी ज्यादा इंगेजिंग रही आपको? आई थिंक द सेकंड हाफ वाज क्वाइट नाइस। या रियल लाइफ में पार्टनर अगर ऐसे मिले तो कैसा लगेगा? अच्छा है, इफ समबडी इज सपोर्टिंग यू नो, सो आई थिंक इट्स अ गुड, इट्स अ गुड स्टोरी लाइन लाइक दैट। और फिल्म को कितनी रेटिंग देनी चाहिए? आउट ऑफ, क्या बात है, और ऑडियंस को कोई मैसेज देना चाहें आप? यू शुड वॉच द फिल्म। थैंक यू सो मच। फिल्म से तो बड़ी उम्मीद थी इसलिए हम लोग फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने आए, लेकिन कहानी नहीं है, मतलब मज़ा नहीं आया बिल्कुल, बहुत स्लो पिक्चर है, नया कुछ है नहीं, मतलब ऐसा लगता है फिल्म हम कई बार देख चुके पर्दे पे, सारे सीन रिपीटेड है, और स्पोर्ट्स पे इससे अच्छी फिल्में बन चुकी है। अगर हम जाह्नवी और राजकुमार राव की केमिस्ट्री की बात करें तो दोनों की केमिस्ट्री? नहीं, केमिस्ट्री अच्छी रही, दोनों ने अच्छा अभिनय किया, दोनों मजे हुए कलाकार है, पहली बार तो ना डेब्यू तो उनका है नहीं, उनको करना भी चाहिए, लेकिन कहानी में दम नहीं था, स्क्रीन प्ले नहीं था, बहुत अच्छे सीन्स नहीं थे जहाँ परफॉर्म कर पाए, और हीरो को तो राइटर ने पहले दिन से ही नेगेटिव रखा, मतलब उसको पॉजिटिव बनने ही नहीं दिया, तो आप किरदार को प्यार नहीं कर पाते, एंगेज नहीं हो पाते हो। फर्स्ट हाफ फिर भी थोड़ा ठीक था, सेकंड हाफ में सब मालूम पड़ता है क्या होने वाला है, मतलब सेकंड हाफ तो बहुत ही बोरिंग है, मतलब सोच रहे कब खत्म और घर जाए। टू मतलब मैसेज तो ये है कि मत देखो, OTT पे आ जाएगी, वही देख लेना, यहाँ बोर होने से अच्छा बेटर है। ओके, बहुत अच्छी फिल्म लगी, मुझे लगा कि इट वॉज अमेजिंग, द कास्टिंग बिटवीन द टू एक्टर्स इज ग्रेट, द केमिस्ट्री वॉज ऑल्सो वेरी गुड, और ओवरऑल बहुत मज़ा आया मूवी देखिए, वेरी इंस्पायरिंग मूवी थी। तो आई फील सेकेंड हाफ एंगेजिंग की, क्योंकि उसमें मेनली सारा स्टोरी ने लगा हुआ था, जैसे कि उसकी जर्नी, मैचेस कैसे थे, वो इंटेंसिटी, आई फील कैमरा वर्क एंड स्क्रीन प्ले वॉज वेरी गुड, सो या। उनकी एक्टिंग मेरे को बहुत अच्छी लगी, बहुत ट्रू लगी, सो ऑब्वियसली दिखता है कि उन्होंने बहुत प्रैक्टिस लगाई मूवी के लिए, एंड द स्ट्रगल शी वेंट थ्रू आई कुड सी इट ऑन द स्क्रीन, एंड इट वाज वेरी गुड टू सी अ ग्रेट आउटपुट, मज़ा आया देख। ही इज़ ऑलवेज बीन गुड, ही इज प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ ग्रेट मूवीज फॉर अस, एंड इट वाज गुड टू सी, इज जस्ट डूइंग हिज वर्क एंड इट वाज अमेजिंग। आई वुड गिव इट 8.5/10, अमेजिंग, वेरी इंस्पायरिंग, यू शुड डेफिनेटली कम एंड वॉच द मूवी। फिल्म काफ़ी ही अच्छी थी, बहुत इंस्पिरेशनल, और लाइक सब क्रिकेट लवर्स के लिए तो स्पेशली, जो लोग बोलते हैं वुमेन कांट प्ले क्रिकेट और सब, उनके लिए ये फिल्म मस्ट वॉच है, क्योंकि ये दिखाती है कि इट्स अबाउट द पैशन यू हैव गॉट, इट्स नॉट अबाउट द जेंडर और एनीथिंग। जाह्नवी और केमिस्ट्री काफ़ी अच्छी थी, मूवी के फर्स्ट हाफ में ही उन लोग का एक सॉन्ग है उसमें, तो मतलब द सॉन्ग वॉज अमेजिंग, उन लोग का एक शादी का भी सीन था, सब बहुत अच्छा था। ऑब्वियसली सेकेंड हाफ, बिकॉज सेकेंड हाफ में ही दिखाते हैं आधा पूरा, द वे राजकुमार राव कोचेस जाह्नवी कपूर, एंड शी प्लेज फॉर द स्टेट फर्स्ट एंड गेट्स सिलेक्टेड फॉर इंडिया एट द एंड। आउट ऑफ 10, 8.5। I would recommend this movie to everyone out there जो
क्रिकेट स्पेशली क्रिकेट लवर्स लिए तो ये मूवी बनी है ही, बट बाकी लोग भी जो अपना ड्रीम फॉलो करना चाहते हैं, जो पैशनेट है, उनको भी ये मूवी देखना चाहिए, बिकॉज यू शुड नेवर गिव अप। मैंने देखी मिस्टर एंड मिसेस बाही। फिल्म मुझे एक वन टाइम वॉच लगी, फर्स्ट हाफ बहुत ही स्लो पेस्ट है, सेकेंड हाफ में मज़ा आता है, लेकिन पहला हाफ और अच्छा हो सकता था मुझे लगता है। सेकेंड हाफ बहुत एंगेजिंग है और क्लाइमैक्स बहुत अच्छा है। मुझे लगता है जानवी कपूर की जगह अगर कृति सैनन होती या तापसी पन्नू तो, क्योंकि बहुत ही एनर्जेटिक रोल था और ये थोड़ी सी छुई मुई टाइप लगी मुझे। इनके कोच का रोल बहुत अच्छा निभाया राजकुमार राव, जो उनके हस्बैंड बने हैं, और उसके साथ साथ सपोर्टिंग कास्ट में कुमुद मिश्रा, जरीना वहाब एक सीनियर सीजन एक्ट्रेस है, उनका रोल अच्छा है। स्टोरी भी बहुत इंस्पायरिंग है, मोटिवेशनल है। शरण शर्मा का डायरेक्शन बढ़िया है, सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छी है अनय गोस्वामी की, एडिटिंग भी शार्प है नितिन बैद की। म्यूज़िक में मुझे देखा तो पहली बार एक गाना बहुत अच्छा लगा, तो एक बार देखी जा सकती है। मैं दूंगा 3 स्टार्स। ऑडियंस को बोलेंगे कि जैसे श्रीकांत मूवी आपने एंजॉय की, राजकुमार राव की एक और मूवी आई है, इसको भी सपोर्ट कीजिए। लोग OTT ज़्यादा देख रहे हैं आजकल, सिनेमा हॉल में आइए और मूवी एंजॉय कीजिए। मिस्टर एंड मिसेस माही ठीक है मैडम, मूवी एंगेजिंग ही नहीं है, वही प्रॉब्लम है मैडम। इसमें केमिस्ट्री का बात ही कम है, बिकॉज एक्चुअली ये अरेंज्ड मैरिज वैसी स्टोरी मूव करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत कम है। तो इस फिल्म को कितने रेटिंग देना चाहेंगे? 1.5। ऑडियंस को कोई मैसेज? वैसे भी मैं मैसेज दे दूंगा, फिर भी तो लोग जाने ही वाले हैं, बिकॉज करण जौहर तो इतना मार्केटिंग एक्सपर्ट है, उस मूवी को इतना मार्केटिंग करेगा तो ये तो 100 करोड़ क्लब तो जाएगा ही जाएगा। बट इट्स एवरेज मूवी एंड कम्पेयर टू, आप किसी भी पुराना देखो, चक दे, बाघ मिल्खा सिंह बाघ, कुछ भी देखो, इससे बहुत कम ही है। मुझे अच्छी लगी पिक्चर, बहुत अच्छी बनी है, दोनों की जोड़ी अच्छी है, राजकुमार राव एक्टर है, उनकी एक्टिंग में तो कुछ कमी नहीं हो सकती है, जाह्नवी कपूर का बहुत अच्छा रोल है, बहुत बहुत अच्छी लगी। ओवरऑल देखिए इसमें इमोशंस बहुत ज़्यादा है और गलत फहमियाँ पैदा होती है, एक आदमी सब सक्सेस होता है तो दूसरा आदमी को फीलिंग होता है, ये जो नेचुरल वे है ना और उसका जो एक्टिंग है ना वो बताया पर्दा पे। सेकेंड हाफ थोड़ी लेंदी है मूवी, थोड़ी स्लो है नो डाउट, लेकिन सेकेंड हाफ बड़ा इंटरेस्टिंग है। मेरे हिसाब से मैं इसको 3.5 दूंगा आउट ऑफ 5। मैसेज मैंने क्रिकेट का जिसको शौक है उसको देखनी चाहिए कि डायरेक्टर वो बॉल और छक्का और चौका और जो बताते हैं उसमें रोमांच खड़ा करने में सक्सेस हुए हैं।